स्विफ्ट कितने की है यहाँ पर? स्विफ्ट पड़ेगा कितना पड़ेगा वो 35 लाख का ही पड़ेगा। 35 लाख की स्विफ्ट? हेलो गाइस, तो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम आए हुए हैं नेपाल पोखरा के अंदर। एक बात बतानी है, जिन मारुति की आप वैल्यू नहीं समझते वो यहाँ आके पता लगता कि वो उसकी वैल्यू क्या है। आप देखिए यहाँ टोटली सारी अभी मारुति है, उनको ऐसा डेकोरेट करके रखते हैं, ये जबरदस्त। जैसे मारुति है, ये मारुति है इसकी जो, हाँ ये मारुति 800 है ना, हाँ तो कितनी इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर? 12.5 लाख। साढ़े बारह लाख की? नहीं, सेकंड हैंड 12.5 लाख की। और नई कितने की होगी यहाँ पे? अच्छा, और ये मिलेगा ये ऑल्टो, ऑल्टो कितने की होगी यहाँ पे? 24 लाख। 24 लाख की ऑल्टो, और 35 पड़ेगा। 30 लाख की नई पड़ेगी। ओके, और पुरानी? पुरानी इसका पड़ेगा अभी 18-19 लाख। 18-19 लाख की पुरानी सेकंड। ओके, और बाकी जैसे और गाड़ियां हैं, सेंट्रो है जैसे, उन गाड़ियों का कितना पड़ेगा? वो सेंट्रो भी बहुत महंगा है, महंगा तो मोटा कौन सा हो जाएगा। अच्छा, इसका रेट उसका ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ओके, क्या बात है। और यहाँ पर वैगन आर कितने की है? वैगन आर गाड़ी नहीं है। इधर स्लिप मारुति, अल्टा, टिगर। अच्छा, और स्विफ्ट? स्विफ्ट कितने की है यहाँ पर? स्विफ्ट पड़ेगा कितना पड़ेगा वो 35 लाख का ही पड़ेगा। 35 लाख की स्विफ्ट? कितना पड़ेगा? ओके, टैक्स में इतना पड़ेगा। ओके, प्राइवेट में तो थोड़ा कम पड़ेगा। ओके, तो ये सभी पुरानी गाड़ियां हैं जितनी भी हैं ये, और ये मतलब 22 लाख की हैं, मतलब दो बार बार। अच्छा, 15 का 12 का 10 लाख का। ये 15 की होगी? ये नहीं है, ये 12 का पड़ेगा। 12 का वो है 10 लाख, 11 लाख का पड़ेगा। अच्छा, उधर का गाड़ी? ओके, उधर का गाड़ी कितना है वो? 10 में हो गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष है। सुभाष है, हम इंडिया से आए हैं, मेरा नाम कर्नल सिंह है। अच्छा लगा आपसे, आपने मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे को बताया है कि यहाँ पर इतनी इतनी महंगी गाड़ियाँ हैं, तो थैंक यू सो मच बाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।